माही रिवर। वो रेलवे का देखो ट्रेन जा रही है, वो देखो ट्रेन जा रही है। ओह व्हाट अ व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू, लुक एट दिस। ये रोड है, हम लोग रोड से आ रहे हैं, बाजू में लेक है, सही व्यू दिख रहा है। गाइस ये है होटल, होटल कृष्णा, जो हम लोग ने बड़ौदा से 20 किलोमीटर पहले होटल बुक किया था। ये हाईवे है, तो दिख सकते हैं आप, हाईवे है, हाईवे के पास में ये मेरी बाइक है और ये हमारा स्ट्रैडल बैग वाया टारा का, बहुत सही है, सामान ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:21 और हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और अभी यहाँ से हम लोग जोधपुर के लिए निकलेंगे। हाईवे के एकदम बाजू में है ये होटल, आने के लिए बहुत इजी है। अभी भूख लगा है, ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुकेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आगे का राइड कंटिन्यू करेंगे। हम लोग को आज ट्रैवल करना है 554 किलोमीटर्स टू जोधपुर। मौसम काफ़ी अच्छा है, कोल्ड कोल्ड। पेट्रोल भरा लेते ना, काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है ना, बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है। ऑयल नहीं, कुछ और होगा, इतना बड़ा ऑयल का टैंकर नहीं होता है। नहीं जी, उतना बड़ा ऑयल का टैंकर नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, सिर्फ पार्किंग किया उसने। फुल कर दो, यहाँ पे पेट्रोल 96.11। देखते कितना पेट्रोल आता है, लास्ट टाइम 1000 का आया था क्या। हाँ बस 9:30 का पेट्रोल आया, 9:30 का पेट्रोल आया है, पेट्रोल फुल हो गया है, 96 रुपीज का पेट्रोल है। हमने इससे पहले भराया था गुजरात में, सूरत से पहले वापिस में आया था, वापिस से भी पहले भराया था, 97 था। ये है पोहा, बस स्वीट है, और ये है मिसल पाव, ऑलरेडी आधा ख़त्म हो चुका है। ये नाश्ता हम लोग फिनिश करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। गाइस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करने में बहुत टाइम चला गया हमारा, और हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए प्लीजेंट रेस्टोरेंट। गाइस मैं बाइक पे रेडियम लगवा रहा हूँ, थोड़ा नाइट में विजिबिलिटी बढ़ जाएगा। Okay, बैटरी लो है इसलिए गोप्रो बंद हो जा रहा है, ये पीछे के टायर में लग रहा है।
लेकिन अभी तक हम लोगों ने कवर किया है 120 किलोमीटर्स और अभी भी 430 किलोमीटर्स पेंडिंग है जोधपुर की ओर। अभी टाइम हो रहे 12:45, अभी तक तो बहुत मस्त चल रही है, बाइक भी बहुत परफॉर्म कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक मतलब मैंने ऑलमोस्ट 50 किलो का सैडल बैग में लगे हुआ टाइम बैग में, प्लस मेरी वाइफ और मैं, हम लोग इतने लोड में बाइक परफॉर्म बहुत नहीं कर रही है। मतलब उतना ऐसा मतलब फील हो रहा है कि फील है लेकिन उतना नहीं फील हो रहा जैसे नॉर्मल बाइक में होती है। बाइक मतलब हैवी होने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, 80-90 तो ईजिली चला जा रहा है, 100 भी टच हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ 80 तक ही उसके ऊपर मैं लगा 80 का स्पीड मेंटेन करूँ। यह ब्लैक स्कॉर्पियो सही दिखती है, नहीं स्कॉर्पियो है ना, इतनी बड़ी दिखती है ब्लैक में एकदम क्लियर। 427 किलोमीटर्स टू गो जोधपुर। हम लोग गन्ने का जूस भी निकले हुए थे, बहुत गर्मी हो रहा था, बहुत जैसे पानी भी नहीं पड़ा, तो गन्ने का जूस पियेंगे फिर यहाँ से राइड कंटिन्यू करेंगे। गाइज अभी 4 बज रहे हैं और हम लोग ने कितना किलोमीटर कवर किया, आई थिंक 300 किलोमीटर कवर किया। और हम लोग लंच के लिए रुके, हम लोग ने पनीर टिक्का मसाला मंगाया और चपाती और प्लेन राइस, साथ में है प्याज और नींबू। ये भी हम लोग खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। मेरी वाइफ ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया खाना, आधा घंटा लग गया गाइस लंच करने में, 4 बजे रुके थे, 4:30 बज गया। अभी फटफट निकलते हैं, हम लोग को 270 टूर से भी कवर करना है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने बाइक पार्क किया और चिड़ियों ने पॉटी कर दिया। ये गुजरात लास्ट पेट्रोल पंप है गुजरात का, तो यहाँ पेट्रोल भरा के ले लेते, आगे तो मिलने वाला है नहीं। 96.8 पेट्रोल 300 का आया है, मैंने अराउंड 120 किलोमीटर चलाया था, सही है। हम लोग को ऊपर जाना है लेकिन यहाँ से रास्ता बंद है, तो एक बंदे को देखा उसने पीछे से बाइक लेके गया ऊपर, तो ऊपर बाइक लेके जाएंगे। यहाँ बाइक लेके जाने का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बाइक छोड़ के जाने का प्रॉब्लम है। जैसे वहाँ पास है बाइक रहेगा तो अच्छा है ना, इसलिए नज़रों के सामने रहेगा, क्योंकि हम लोग का सैडल बैग है वो नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए सोच रहे कि बैग ऊपर लेके जाए। ओफ ओफ, पहली बार मेरा बाइक का बम्प नीचे कहीं टच हुआ है, आज तक कभी टच नहीं आता इतना इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। आज मैंने ग्राउंड चलाया, ग्राउंड ऊपर यहाँ ओहो फुल ऑफ रोड, वो
ओह व्हाट अ व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू, लुक एट दिस, ये रोड है, हम लोग रोड से आ रहे हैं, बाजू में लेक है, सही व्यू दिख रहा है, लुक एट द व्यू, माउंटेन्स और बीच में लेक, सही है, और रोड, लुक एट द व्यू गाइस, कितना मस्त लेक है। हम लोग यहाँ बहुत सारे फोटोज और वीडियोस लिए, अभी हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, 6 बज गया, ये हम लोग को 200 किलोमीटर और जाना है, हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, फुल ऑफ रोड, सही व्यू है। और क्या मेन था कि एकदम बाजू में था हाईवे के, देखो यहाँ पे हाईवे है और ये बाजू में, से निकलेंगे भाई स्ट्रेट उदयपुर, लेफ्ट जोधपुर, हम लोग को जाना है जोधपुर, तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे, सनसेट हो गया है यहाँ, सनसेट जल्दी हुआ, गुजरात में 6:35 के बाद हुआ था, अब यहाँ 6:20 उससे हो गया, मतलब यहाँ 15 मिनट पहले अंधेरा हो रहा है, ठंडी भी लग रही है अभी से हल्की हल्की, तो बहुत सही है, मज़ा आने वाला, ठंडी में राइड करने का मज़ा ही कुछ और है, अभी हम लोग को 200 किलोमीटर और जाना है और यहाँ से भी 3.5 आवर बिठा रहे हैं, देखा नहीं मैंने, बटाटे के साथ, बटाटा है बटाटा, पाली जानापुर पिंडरवा, ये क्या है, ट्रैफिक लग गया है, बाप रे बहुत लंबा ट्रैफिक दिख रहा है गाइस, यहाँ पे टनल में रास्ता बंद है तो सॉरी टनल में ट्रैफिक जाम है तो रास्ता बंद है, बहुत जाम लगा हुआ, तो ये भाई साहब ने बोला कार वालों ने कि बीच में गांव से रास्ता है, तो हम लोग गांव में इनके पीछे पीछे गांव से जाएंगे, गाइस अभी हो गए 7:10 और हम लोग 150 किलोमीटर टू गो, तो हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके थोड़ा पंप्स को आराम देने के लिए, तो बीच में ट्रैफिक मिल गया तो हम लोग को दूसरे रास्ते से डाइवर्जन से गांव में से आना पड़ा, उधर टाइम लग गया, तो अभी हम लोग टी ब्रेक लेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, रुके हैं नमस्ते, इसका 15 किलोमीटर पहले से ही बोर्ड था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक और वेलकम फ्रॉम द जोधपुर गाइस, हम लोग रात को 10:30 जोधपुर पहुंच गए थे और बहुत ठंडी था, फिर हम लोग ने हम लोग को होटल चाहिए तो हम लोग स्टेशन के पास होटल ढूँढा, उसमें 11:30 बज गए, फिर खाना खाए 12:30 बज गए, फिर लेट हो गए हम लोग, फिर सो गए और वहाँ पे स्टेशन के बाद हम लोग ने होटल लिया, तो वहाँ पे
पार्किंग के लिए जगह नहीं था, तो मैं स्टेशन का जो ये प्लेस है स्टेशन रेलवे का जो पार्किंग है वहाँ पे आया, मैं पेड पार्किंग किया। मैं अभी भी वहाँ यहाँ पे 12-13 का टेम्परेचर है, बहुत ठंडी, मतलब मैं तो मुंबई से आया हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ठंडी है। तो अभी यहाँ मैं पार्किंग में आया था, तो यहाँ से हम लोग बाइक लेंगे और अभी नेक्स्ट जो हम लोग का डेस्टिनेशन वहाँ जाके होटल सर्च करेंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे। और मैंने यहाँ पे विंटर ग्लव्स भी लिया है, ये देख सकते 150 में बहुत सही लग रहा है मुझे, तो ये विंटर ग्लव्स लिया है मैंने, बहुत सही है। बाइक मेरी यहाँ पार्क है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस मैं कल वीडियो एंड नहीं कर पाया, गाइस बाइक निकालने के लिए या पार्किंग में जगह नहीं था तो मैंने ये किया। अभी कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ बाइक को मैं, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग होटल पे जाएंगे, सामान लोड करेंगे, फिर वहाँ से डेस्टिनेशन पे जाएंगे हम लोग, और वहाँ पे होटल सर्च करने के बाद फिर हम लोग उसके बाद सब पॉइंट्स विजिट करेंगे, जैसे मंदोर गार्डन है और बहुत सारे यहाँ पे प्लेसेस है, पैलेस है, क्लॉक टावर है, वो सब हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये ग्लव्स तो बहुत सही लग रहा है, ठंडी वाला ग्लव्स है, मतलब ठंडी बहुत है यहाँ। हम लोग जब मुंबई से देखे थे तो यहाँ इतना ठंडी था नहीं पे, लेकिन ठंडी बहुत है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, लुक एट द व्यू गाइस, दे दिया हो जोधपुर के रोड, बहुत ठंडी है भाई, हेलमेट है, ग्लास खोल के बाइक ड्राइव नहीं कर सकते हैं। जोधपुर की ये सड़के, मजा आ रहा है, ग्लास बहुत सही है, वो भी ठंडी नहीं लग रहा है। ये देखो ये जोधपुर स्टेशन है और उसके सामने ही हम लोग ने होटल लिया है, ये टेम्पररी होटल था। हम लोग सोचे कि नाइट में स्टे, बहुत लेट हो गया था, हम यहाँ पे नाइट में स्टे करते फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना होटल है किधर, चाहिए होटल है